हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द टीस्नेट। और जिन्होंने अभी तक कंप्लीट पीडीएफ एनरोल नहीं किया हो तो एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस मेरे यूट्यूब वीडियो देखना, ठीक है। जितने ही टीस्नेट 2020 के वीडियो आ रहे सब आपके लिए एग्जाम के रिलेटेड से इम्पोर्टेंट है, एंड कंप्लीट पीडीएफ जरूर एनरोल कर लेना। और कंप्लीट पीडीएफ एनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे मेल करना है studysideeffect@gmail.com में, ठीक है, कि आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि सर फी स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो मैं आज सारे ही प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो, हर किसी को मालूम है कि 2,20,000 अप्रोक्स लगता है, ठीक है, लेकिन हर प्रोग्राम में लगता है ये बात गलत है, क्योंकि आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन पता रहता है। आज मैं बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम का कितना फीस है और कौन सा हाईएस्ट फीस है कौन सा कोर्स का, उसके बारे में भी मालूम रखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम एंड एलआर का कोर्स का मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, क्योंकि टिस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो टिस नेट के लिए अप्लाई करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इंडिया का सेकेंड बेस्ट कोर्स है। अगर लो फीस में अगर अच्छा देखा जाए तो इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स यही माना जाएगा, अगर लो फीस में देखा जाए तो वाकई में सारे एमए प्रोग्राम जो टीस किए बहुत ही अच्छी, और इतनी कम फीस में आपको इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्राम है, ठीक है। तो फीस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम का अलग तरीके का फीस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फीस देख लो, फीस आपका एक एस्टिमेट मैं दूंगा, एग्जैक्ट आपको एडमिशन जब लोगे तभी पता चलेगा। कुछ थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है, थोड़ा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो आज बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो, फीस यही रहता है हमारा, ये जो टोटल कोर्स फीस है अगर फीस की बात करें तो, और हॉस्टल एंड डाइनिंग हॉल चार्जेस जो रहती है यानी कि आपको खाने के लिए रहने के लिए जो पैसा लगता है वो पर सेमेस्टर का 31,000 31,000 31,000, तो चार सेमेस्टर होंगे तो ये रहेंगे। तो फीस को सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी एचआरएम प्रोग्राम का। देखो, सारे ही प्रोग्राम का एक जैसा है, ठीक है। अब फीस को कैलकुलेट करेंगे और किसको माइनस करना बता दूंगा। 48 जैसा कि यहाँ पे दिया गया, 48,200, ठीक है, प्लस 26,26,300 प्लस 9,800 प्लस 20,300 तो यही हमारा फीस है, 1,14,600। अब इसमें क्या माइनस होती है, ये जो कॉशन डिपॉजिट जैसे सिक्योरिटी मनी आप लोग देते हो 10,000, तो ये 1,40,600 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,04,600, ठीक है। तो इतना पड़ेगा आपका माइनस 10,000 कर दो, ये कॉशन डिपॉजिट यानी कि सिक्योरिटी मनी जो दिया जाता है, जैसे कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको ये पैसा वापस कर दी जाती है हर कॉलेज में जैसा होता है। तो 1,04,600 जो कि 2019 का फीस रहता है। और ये देखो, एडमिशन के बाद भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ही रहेगा, कभी कभी रिवाइज्ड हो सकती है। और प्लस कर दो 31,000 31,000 31,000 यानी कि इतना प्लस होगा 1,04,1,24 यानी 4×4 4×3×12, ठीक है, और 30, तो हमारा टोटल आ गया 2,28,600 कॉशन डिपॉजिट माइनस करके। तो ये रहा आपका एस्टिमेट फीस। अब बाकी सब 53 MA प्रोग्राम की क्या रहेंगे, तो थोड़ा 10,000 का फर्क रहेगा, कम रहता है, ठीक है, 10-15,000 का, और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है एस्टिमेट में, ठीक है, 10,000 का फर्क रहेगा, 10-15,000 का। लेकिन हॉस्टल फीस एंड डाइनिंग हॉल फीस सभी कैंपस का सेम है, और हैदराबाद कैंपस में तो शायद नहीं है ये सर्विस, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हाईएस्ट फीस है। और भी एक बात बता दूं कि देख लो, ये भी लिखा रहता है, इंस्टीट्यूट रिजर्व टू राइट टू रिवाइज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इफ नेसेसरी, ठीक है, तो रिवाइज कर सकती है। सम स्कूल विल ऑर्गेनाइज द प्रैक्टिकम स्टडी टू रूरल फील्ड वर्क, अर्बन फील्ड वर्क, विंटर इंस्टीट्यूट। एक्सपेंसेस फॉर दिस आर नॉट शो इन द अबव टेबल। दिस एक्सपेंसेस विल हेल्प टू मेट द स्टूडेंट्स देमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी, तो ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट फीस है, जो कि आपको पता ही नहीं रहता, बाद में पता चलता है, आप लोग अप्लाई करो, तो एमए इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, जो कि इसका बहुत ही हाई फीस है। और इसका एडमिशन कैसे होता है, सेम जैसे टीसनेट का एग्जाम होता है वैसे ही इसका एडमिशन होता है। टीसनेट एग्जाम दो, फिर पीआईटी दो, पीआई दो, जीडी दो, ठीक है, तो वैसा ही आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, टीसनेट से ही होता है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है आपको पहले जान लेना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी बताओ तो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबल है वही अप्लाई करे, ठीक है। और फीस जो कि इस प्रोग्राम में भी मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं 2019 के, एचआरएम में भी हुए हैं, इस प्रोग्राम में भी हुए हैं, लेकिन उनको फीस फीस का पता नहीं रहता, लेकिन बाद में पता चलता है। तो फीस सबसे हाई है इसका, जो कि है 2 लाख पर सेमेस्टर, 2 लाख रुपीस पर सेमेस्टर, यानी 4 सेमेस्टर, यानी कि 4 टू 8 लाख, ये मतलब कि 8 लाख समझ लो, 1 2 3 4, 8 लाख रुपीस 2 ईयर का लगेगा, जो कि केवल कोर्स फीस है -10,000, -10,000 कर देंगे, क्योंकि हमारा कॉशन डिपॉजिट 10,000 रहता है, तो 7,90,000 इसका फीस है। तो ये बात आपको बाद में पता चलती है जब अप्लाई करते हो तो। और इस कोर्स के फीस के बारे में बहुत ही स्टूडेंट डिस्कस किए थे 2019 में, क्या रहेगा फीस क्या रहेगा, तो मैं आपको एस्टिमेट बता दे रहा हूँ, इंक्रीज होगा क्या होगा वो पता नहीं। और जैसा कि 31,000 हॉस्टल फी है, डाइनिंग हॉल फी है, तो इसमें 1,24,000 इंक्लूड करो, जिनको भी हॉस्टल लेना हो या डाइनिंग हॉल लेना हो, ठीक है, तब ये फीस हो जाएगा 4 10 11 का, एक 9,14,000, ठीक है। तो ये रहा हमारा एस्टिमेट ये प्रोग्राम का, ठीक है। तो 9,40,000 है इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, सेम जैसे टीसनेट एग्जाम देते हो वैसे ही है। तो जो भी यार जो जानते हो, जो मैं बता दे रहा हूँ फीस इतना है, तो आप समझ लेना कि अगर आप चुका पाओगे तो ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि एमए प्रोग्राम का जैसे ही सेम है फीस 2 लाख, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ये फीस है 8-9 लाख करीब हो जाएगा, 9,14,000 हॉस्टल एंड डाइनिंग हॉल इंक्लूडेड। तो ये प्रोग्राम का देखो, देखो ये मास्टर ऑफ एलएलएम यानी लॉ इन एक्सेस टू जस्टिस, तो इसका प्रोग्राम फी कम क्यों रहता है, ये भी एमए प्रोग्राम के लिए, ये भी टीसनेट से ही आप सिलेक्ट होगा। जितने ही एमए प्रोग्राम है, 53 एमए प्रोग्राम है, तो उस टीसनेट से ही सिलेक्शन होता है। तो इसमें फीस कम क्यों है, देख लो इनका फीस क्या है, यही है, क्योंकि ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। और सभी को सोचते हैं कि 2 लाख ही देना, नहीं, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम आपकी फीस है, अगर 10,000 माइनस करें इसमें से, तो 10,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,9,200 एंड 2,9,300,005 58,500 कॉशन डिपॉजिट माइनस करके, और ये रहा आपका 62,000। तो टोटल इनका जो भी एक्सेस टू जस्टिस में जाएंगे,
0 0 5 0 12, तो 1,20,500 इसका फीस है, ठीक है। तो हमने सारे ही प्रोग्राम के बारे में बात किया हूँ, तो देख लो। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि सारे ही प्रोग्राम, जैसे कि 53 MA प्रोग्राम रहती है, तो 10,000 का कम हो सकता है, ठीक है। बाकी सब कोर्स के जो कि HRM है, जैसा कि HRM को मैं बताया आपको, इससे 10,000 लेस रहती है, चाहे वो तुलजापुर हो, 10,000 से 12,000 13,000 ऐसा ही अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। तो 10,000 थोड़ा कम रहता है फीस बाकी सब प्रोग्राम का, 10,000 15,000, तो बहुत ही लो फीस है मेरे मुताबिक, तो बहुत ही लो फीस है। अगर HRM में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते, इतना बेस्ट प्रोग्राम है, इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है, तो फीस बहुत ही लो है। बाकी सारे प्रोग्राम मेरे को अच्छे लगते हैं, 53 MA प्रोग्राम, सबकी यूनिक स्पेशलाइजेशन है, जिनको जिनको जो स्पेशलाइजेशन मान हो वो सेलेक्ट करके रखना, 3 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, हो सकता है आपको मैं सारी बातें समझा सकूँ, तो थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।